ये देखिए हमने ये ग्रीन ग्रीन कलर की ऊन में मोती डाल के बना रखी है। ये लहस से आप इसे किसी सोल या किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं, जैसे कार्डिगन। आप इसे धागे से बना सकते हैं, एक डोरी आती है उसमें मोती डाल के बारीक सलाइयों से भी बना सकते हैं, और उसे किसी इसमें मोती की जगह सितारा या बारीक घुंघरू आते हैं उसे भी डाल के आराम से बना सकते हैं, और किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं, कुर्ती के पल्लू या बाजू पे, साड़ी के पल्लू, सब चीज़ पर लगाई जा सकती है। और ये बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती है। मैं आपको इसे आपके पास जो आप कलर अच्छा लगता है इससे मोटे मोती भी ले सकते हैं और बड़ी भी, और सुई से भर के इसमें डाल सकते हैं। ये मैं इसमें फंदे डाल दूँ सिलाई में, मेरे पास तो ये 10 नंबर की सिलाई है। आप बारीक ऊन में बारीक मोती डाल के बना सकते हैं और घूंघरू वगैरह ऐसी चीज़ भी डाल सकते हैं। अब मैंने ये फंदा डाल लिया है और अब देखिए मोती डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं अभी फंदे डालते चल जाऊँगी। एक मोती डाल दिया, अब हम दूसरा मोती डाल रहे हैं। फंदे आप जिस तरह डालते हैं उस तरह डाल सकते हैं। देखिए हम इस तरह क्रोसी के भी लैस बनाते हैं। देखिए मैं पूरी स्लाइस तरह ही कम्प्लीट करूँगी। देखिए ये हमने इसमें 45 ही फंदे लिए हैं, और ये इसमें भी हमने 45 मोती डाले हैं और 45 ही फंदे बनते हैं। आप 100 फंदे के या अपनी बाजू या किसी भी चीज़ को नाप के ऐसे से दो बना के बीच में सिल के लगा सकते हैं। अगर आपको स्लाइस को बनानी है तो मैं इसी तरह कम्प्लीट करूँगी सिलाई को। देखिए जो जिस धागे मैंने मोती डाले हुए उससे दूसरी तरफ का मैंने नीचे पैर से दबा रखा है, और मैं इसी धागे से इस तरह करके ये फंदे बनाती हूँ। आपको जिस तरह आते हैं आप इस तरह भी बना सकते हैं, और फिर एक मोती लेके इस तरह बनाते हैं। आप इसके ब्रेसलेट भी बना सकते हैं बारीक कलर रबड़ लगा के, बच्चों के सिर में हेयर बैंड की बना या रबड़ डाल के इनमें हम सिर में छोटी में लगा सकते हैं। ये देखिए हमने ये पूरे जितने 45 डाले थे हमने इसमें, इन्हें हमने फंदों को डाल दिया। अब हम आपको उसकी सिलाई बना के दिखाएंगे। ये जो बनी हुई मैं इसे बता रही हूँ आपको, इसमें यहाँ आप बड़ी रबर डाल के इसे अपनी चोटी में भी डाल सकते हैं, हाथ की ब्रेसलेट या कुछ भी बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बना रही हूँ, दो सिलाई में तैयार हो जाती है। देखिए इसे हमें इसी तरह उल्टी सिलाई बनानी है, क्योंकि ये मोती अड़ते हैं।
देखिए ये हमारी पहली सिलाई बन गई है। और अब मैं इसमें दूसरी सिलाई निकालती हूँ, ये तीन सिलाई में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ऊपर से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इधर से भी हमें इसी तरह बनाना है। मैं ये पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं हम इसे। आप इसे डोरियों में भी, डोरी में बारीक सिलाई से बना सकते हैं, 12 नंबर और उससे भी बारीक सिलाई आती है गले बनाने की। और मोती सितारे या फिर घुंघरू डाल के बना सकते हैं। ये देखिए मेरा इस तरह बन के तैयार हो गया। किसी भी कलर से बना के आप कुर्ती या फ्रॉक टाइप कुर्ती आती है उनमें सब में लगा सकते हैं नीचे कहीं भी। अब मैं इसे यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं अगर आपको ऊपर को बॉर्डर, ये ऊपर ला उनका बॉर्डर और बड़ा बनाना है तो, पर मैं इसे यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। अब हम इसे इस तरह उतार देंगे जिस तरह हम और फंदों को उतारते हैं। एक फंदे के दो बना दिए और फिर इसे आप रेडीमेड कुर्ती और लगा सकते हैं। अगर गर्मियों की कुर्तियां हैं तो आप डोरी का धागा ला के उसमें सुई से धागे करके उस पर उससे बना सकते हैं। देखिए मैं इसी तरह से पूरे को कंप्लीट करूँगी और ये इस तरह बन के आएगा। ये देखिए हमारी ये बन के कम्प्लीट होगी। आप इस तरह किसी में बना के किसी चीज़ पे फूल बना के लगा सकते हैं। हाथ में भी पहन सकते हैं, इसमें किनारे पर रबड़ डाल के उस तरह, या कुर्ती और उस पर तो अगर इतनी बड़ी बड़ी भी बनाएंगे आप तो इस तरह इन्हें हम सिलाई करके कितनी भी लंबी कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छी लगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सी, एक सिलाई में फंदे पड़ते हैं और दो में बनाए, दो बना के और तीसरी सिलाई चौथी सिलाई में उतार देते हैं। ये देखिए ये हमारी नहीं। और किसी तरह धोई है ना, ख़राब नहीं होती है। अगर आपको हमारा ये लैस का डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।